मैं राजीव श्रीधरन, सीएनसी लर्निंग में आपका स्वागत है। ये वीडियो में सीएनसी के बारे में बेसिक कंसेप्ट्स आपको सीखने मिलेगा। सबसे पहले सीएनसी क्या है ये हम देखेंगे। सीएनसी का फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। कोई भी मशीन एक सीएनसी कंट्रोलर एक कंप्यूटर ही होता है, और वो मशीन में सर्वो ड्राइव, स्पिंडल ड्राइव, ये सब रहेगा, जिसके वजह से स्पिंडल, एक्सिस, ये सब कंट्रोल होता है। ऐसा मशीन को हम सीएनसी बोलते हैं। एक छोटा वीडियो है, ये उनके लिए जिनको सीएनसी के बारे में ज्यादा पता नहीं है, जो ज्यादा देखा नहीं हो, तो इसमें आपको चक दिखेगा। यहाँ पे ये चक है, यहाँ पे पार्ट है, ये टरट है जिसके ऊपर टूल्स माउंट किया हुआ है, ये टेल स्टॉक है। इसका मूवमेंट्स हम देखेंगे। स्लाइड मूव हो रहा है। अभी सीएनसी का बेसिक वर्किंग कैसा है ये हम देखेंगे। ये सीएनसी कंट्रोलर है। अभी जो पिक्चर में दिख रहा है फैनुक कंट्रोलर है। तो यहाँ पे आपको मशीन कैसा चल रहा है, कौन सा एक्सिस है, कौन सा कोड एक्टिव है, सब दिखता है। ये कीबोर्ड इनपुट कीज है। यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिया हुआ है। इसी के अंदर आप प्रोग्राम स्टोर करता है, आप प्रोग्राम एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो प्रोग्राम में जो कमेंट्स है, समझो एक्सिस को कुछ डिस्टेंस मूव करने के लिए एक कमेंट रहेगा प्रोग्राम में, तो वो प्रोग्राम को एक वोल्टेज सिग्नल के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो कंट्रोल सर्किट है, यहाँ पे वो वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, और यहाँ से वो एम्पलीफायर में भेजता है, जहां पे वो सिग्नल एम्पलीफाई होता है, और वो सिग्नल भेजता है करस्पोंडिंग एक्सिस सर्वो मोटर में। मतलब जो एक्सिस के लिए कमांड है, समझो एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के लिए, जो भी रहेगा वो एक्सिस के सर्वो मोटर में वो कमांड वोल्टेज सिग्नल भेजता है, और वो वोल्टेज सिग्नल को करस्पोंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये सर्वो मोटर है। सर्वो मोटर अभी समझो 100 mm है, तो 100 mm के लिए कितना रोटेट होना है, मतलब 100 mm, ये जो ये बोल स्क्रू दिख रहा है आपको, ये बोल स्क्रू जैसा रोटेट होता है आपका स्लाइड मूव होता है। ये बोल स्क्रू एक बार रोटेट होता है तो ये बोल स्क्रू का जो पिच है उतना अमाउंट मूव होता है। समझो पिच है 2 mm फॉर एग्जाम्पल, तो सर्वो मोटर एक बार रोटेट हो गया तो ये स्लाइड 2 mm फॉरवर्ड मूव हो जाएगा या रिवर्स। तो जितना मूव करना है उतना करस्पोंडिंग सिग्नल यहाँ पे आता है, उसके हिसाब से सर्वो मोटर उतना रोटेट होता है, और वो रोटेशन के हिसाब से स्लाइड मूव होता है। अभी ये जो है एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है। ये आपको जो दिख रहा है रोटरी एनकोडर है, ये सर्वो मोटर के पीछे जो लगाया हुआ है। तो क्लोज्ड लूप सिस्टम मतलब क्या है, अभी आपने कमेंट तो दिया है, प्रोग्राम में कमेंट दिया है, वो सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, वो सिग्नल यहाँ पे आया, सर्वो मोटर रोटेट हो गया,
बॉल स्क्रू रोटेट हो गया है और स्लाइड मूव हो गया है। तो अभी मैंने 100 mm दिया है तो सही में 100 mm ये मूव हो गया है क्या, तो वो चेक करने का काम रोटरी एनकोडर करता है। अभी ये रोटरी एनकोडर कंटिन्यूअसली बॉल स्क्रू कितना रोटेट हो गया या सर्वो मोटर कितना रोटेट हो गया वो चेक करता है और वो सिग्नल यहाँ पे वापस भेजता है, उसको फीडबैक बताता है। तो कंटिन्यूअसली ये चेक किया जाता है कि कितना मूव हो गया है। तो सही में उतना मूव, क्योंकि मैकेनिकल लॉसेस हो सकता है, तो मैकेनिकल लॉस के वजह से उतना सही में हुआ नहीं हुआ, समझो 100 mm दिया, मूवमेंट हुआ रहेगा 99.99, तो वो सिग्नल एनकोडर कैच करता है और वो सिग्नल वापस यहाँ पे भेजता है। तो जो 0-1 अभी कम हो गया है या ज्यादा हो गया है उसके हिसाब से दूसरा सिग्नल यहाँ पे क्रिएट होता है, वो यहाँ पे वापस भेजता है। तो एक कंटिन्यूस करेक्शन होता है, तो जितना मूव हो गया चेक होता है, वो चेकिंग के हिसाब से जो भी करेक्शन अमाउंट है वो वापस यहाँ पे सिग्नल भेजता है, वो कितना वापस एडिशनल रोटेट करना है। अभी ये अभी हम जो डिस्कस किया केस में 0-1 10 μ, तो वो मूवमेंट के लिए वापस सिग्नल भेजता है और ये वापस मूव होता है। तो फाइनली हमको 100 mm दिया है तो 100 mm ही मिलता है, इसीलिए इसको क्लोज्ड लूप सिस्टम बताया जाता है। अभी ओपन लूप रहेगा तो क्या होता है, जस्ट कमांड दिया और वो चला, अभी कितना चला वो पता नहीं रहता है। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रोटरी एनकोडर, आपको एडिशनली एक लीनियर स्केल दे सकता है ज्यादा एक्यूरेसी के लिए। अभी क्योंकि क्या है, ये रोटरी एनकोडर अभी चेक करता है सर्वो मोटर को, सर्वो मोटर के आगे आपका बॉल स्क्रू में इनएक्यूरेसी रहेगा, स्लाइड में इनएक्यूरेसी रहेगा, मैकेनिकल लॉसेस होता है, तो वो एनकोडर चेक नहीं कर सकता है। वो चेकिंग का काम लीनियर स्केल कर सकता है, मतलब वो एक ऑप्टिकल रीडिंग होता है, एक स्केल रहता है और उसको ऑप्टिकली रीड किया जाता है, तो वो डायरेक्ट मेजरमेंट है, तो उससे आपको और एक्यूरेसी मिल सकता है। अभी हम देखेंगे सीएनसी मशीन्स को कैसा क्लासिफाई किया हुआ है, एक है प्रोसेस के ऊपर, दूसरा है एक्सेस के ऊपर, नंबर ऑफ एक्सेस के ऊपर। प्रोसेस के ऊपर कैसे क्लासिफाई किया है, टर्निंग ऑपरेशन, मिलिंग ऑपरेशन, टर्न मिल, मिल टर्न, वायर रेडियन, ऐसा जो प्रोसेस है उसके हिसाब से सीएनसी टर्निंग, सीएनसी मिलिंग, सीएनसी टर्न मिल, सीएनसी वायर रेडियन, ऐसा मशीन का क्लासिफिकेशन होता है। और दूसरा नंबर ऑफ एक्सिस के हिसाब से, जो रेगुलर टर्निंग है वो दो एक्सिस होता है, एक्स और जेड एक्सिस होता है, और जैसे दूसरा मशीन में हम मूव होता है वीएमसी है तो 3 एक्सिस होता है, वीएमसी के साथ में एक रोटरी है तो 4 एक्सिस होता है, फिर 2 रोटरी है तो 5 एक्सिस, ऐसा अप टू 9 एक्सिस रहता है, उसको ऊपर भी रहता है बट ज्यादा करके 9 एक्सिस तक रहता है। अभी मोस्ट ऑफ द मशीनिंग, ज्यादातर मशीनिंग आप 5 एक्सिस यूज करके कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं जो आप 5 एक्सिस यूज करके नहीं कर सकते हैं। तो बाकी जो 5 को ऊपर का जो एक्सिस है वो एडिशनल सपोर्टिंग एक्सिस रहता है। अभी टर्नमिल को, एक टर्नमिल को देखेंगे तो उसमें एक समझो एक मेन स्पिंडल के साथ एक सब स्पिंडल है, तो वो एक एडिशनल एक्सिस में काउंट किया जाता है। समझो मशीन में 2 टरट है, एक अपर टरट एक लोअर टरट, तो दोनों टरट को एक्सिस रहता है, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ एक्सिस बढ़ता है। अदरवाइज एक रेगुलर मशीनिंग करने के लिए 5 एक्सिस काफी होता है। अभी मिलिंग में एक्सिस कैसे नेम किया है वो हम देखेंगे। ये ऑपरेटर साइड है, जो स्पिंडल के तरफ जो एक्सेस जाता है वो जेड एक्सेस होता है और ऑपरेटर के हॉरिजॉन्टल होता है उसको एक्स एक्सेस बताता है, और इसको परपेंडिकुलर एक्सेस जो रहता है वो ए एक्सेस रहता है।
ये आपको जो फिगर दिख रहा है वो एक मिलिंग मशीन का है। तो अभी हम जैसा एक्सप्लेन किया वैसा ही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आपको कभी भी याद रखना है कि स्पिंडल एक्सिस जेड एक्सिस रहेगा कभी भी। अभी इसके लिए एक रूल है, राइट हैंड रूल। इसके हिसाब से आपका राइट हैंड का थंब और फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, तो ये तीनों फिंगर ऐसा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पकड़ेंगे, तो ये होना चाहिए आप मशीन के सामने खड़ा रह के। तो आपका राइट हैंड का जो थंब है, पहले आपको मिडिल फिंगर आपका स्पिंडल के तरफ पॉइंट करना है, तभी आपका थंब पॉइंट करेंगे एक्स प्लस डायरेक्शन में और फोर फिंगर पॉइंट करेंगे वाई प्लस डायरेक्शन में। ये कोई भी मशीन में आप ये यूज करके आपका एक्सिस फाइंड आउट कर सकता है। एक्सिस टर्निंग में कैसा डिपेंड किया है, स्पिंडल एक्सिस कौन सा भी मशीन में जेड एक्सिस ही रहेंगे। अभी टर्निंग में जेड एक्सिस के अलावा और एक ही एक्सिस है, वो होता है डायमीटर एक्सिस, वो एक्स एक्सिस है। अभी एक सीएनसी टर्निंग मशीन देखेंगे टू एक्सिस वाला, तो आपको यहाँ पे जैसा दिख रहा है, ये हमने ऑलरेडी बताया कि जेड एक्सिस आपका स्पिंडल एक्सिस है और ऑपोजिट जो है वो एक्स एक्सिस है। तो स्पिंडल के तरफ जो जाता है वो जेड माइनस होता है और स्पिंडल के अवे जो जाता है वो जेड प्लस होता है। डायमीटर एक्सिस जो होता है वो आपका फ्रंट टरट है या बैक टरट है, रेयर टरट है, उसके हिसाब से प्लस माइनस किधर है वो डिफाइन होता है। अभी ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको फ्रंट टरट वाला मशीन है या फ्रंट टूल पोस्ट वाला, तो यहाँ पे ये एक्स प्लस होता है। रेयर टरट होगा तो एक्स प्लस ऑपोजिट साइड में होता है। अभी ये भी हमने बताया एबीएमसी में स्पिंडल एक्सिस जेड एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वाई एक्सिस होता है। अभी सीएनसी मिलिंग फोर एक्सिस, ये एक्चुअली एक वीएमसी होता है पर्टिकुलर मशीन के अंदर, उसके ऊपर अगर एक रोटरी टेबल फिट किया हुआ तो उसको हम फोर एक्सिस बताते हैं। तो ये जो एक्सिस है रोटरी एक्सिस कैसा नेम किया हुआ जाता है, एक्स के ऊपर अगर रोटेट होता है तो उसको ए एक्सिस बताता है, ये तो एक्स एक्सिस है, तो ये जो रोटेशन है एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये ए एक्सिस होता है। सेम ये वाई एक्सिस होता है, अगर समझो रोटेशन ऐसा है तो वो बी एक्सिस होगा और ये अपना जेड एक्सिस है, इसको ऐसा कुछ रोटेशन है, कोई टेबल का रोटेशन ऐसा है तो ये सी एक्सिस होगा। अभी एक एचएमसी देखेंगे, एचएमसी में फोर एक्सिस होता है। अभी हमने राइट हैंड थंब रूल बताया था, राइट हैंड रूल बताया था, उसमें हमने क्या बताया कि तीन फिंगर परपेंडिकुलर पकड़ के आपका मिडिल फिंगर आप स्पिंडल के तरफ पकड़ेंगे तो थंब आपका एक्स प्लस में और फोर फिंगर आपका वाई प्लस डायरेक्शन में दिखाएगा। तो वैसे ही अभी हम इसमें दिखाया है, ये स्पिंडल के तरफ जेड एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस के ऊपर ये जो रोटरी है ये वाई एक्सिस के ऊपर होता है तो बी एक्सिस। अभी हम एक सीएनसी टर्न मिल को देखेंगे, ये है नाइन एक्सिस, इसमें सब स्पिंडल और डबल टरट रखा है, ये मेन स्पिंडल है, ये आपका अपर टरट बताता है या मिलिंग स्पिंडल बता सकता है, यहाँ पे एक लोअर टरट है, ये टरट के ऊपर भी आप टूल्स लोड कर सकता है। अभी एक सब स्पिंडल है जो अभी हमको इसमें नहीं दिख रहा है, वो इस तरफ रहता है, ये आपका मेन स्पिंडल है। तो ये सबका मोमेंट मिला के वो नाइन एक्सिस होता है। तो ये और एक स्लाइड में मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा।
एक सीएनसी मशीन का क्या क्या पार्ट्स है वो हम देखेंगे। टर्निंग में होता है मेन स्पिंडल, चक, और उसके साथ जॉस रहता है, टरट रहता है। टरट आपका टूल माउंटिंग करने के लिए रहता है, और टरट रोटेट होता है। चक और जॉस उसमें आप आपका पार्ट होल्ड करता है। उसमें हाइड्रोलिक चक रह सकता है या मैनुअल चक रह सकता है, फ्रीजो रह सकता है, फोर्जो रह सकता है। टेल स्टॉक जो है वो आपका अगर लंबा जॉब रहेगा या हेवी जॉब रहेगा तो उसको सपोर्ट करने के लिए टेल स्टॉक यूज किया जाता है। तो एक सीएनसी मशीन है, तो ये स्पिंडल होता है, ये टरट होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, अगर ये टर्न मिल है तो वाई एक्सिस। ये अभी पर्टिकुलर मशीन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये टर्न मिल है तो इसमें वाई एक्सिस भी है और इसमें सी एक्सिस रहेगा, कंट्रोल एक्सिस। ये टेल स्टॉक भी प्रोग्रामेबल है, ये स्लाइड है। और एक मिलिंग मशीन, उसमें क्या क्या होता है, एक मेन स्पिंडल रहता है, वर्क टेबल रहता है, रोटरी टेबल रहता है जहाँ पे एप्लीकेबल है, तो जस्ट वीएमसी है तो रोटरी टेबल नहीं रहेगा। टूल मैगजीन रहता है जहाँ पे आप सभी टूल रेडी करके रख सकता है, माउंट करके रख सकता है। एटीसी होता है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर। तो टूल मैगजीन में जो टूल है वो अगर स्पिंडल में लाना है या स्पिंडल का टूल मैगजीन में डालना है तो वो काम एटीसी करता है, ऑटोमेटिकली करता है। तो ये हमने ऑलरेडी बताया, तो एक वीएमसी है तो ये आपका मेन स्पिंडल है, ये एक रोटरी टेबल है, तो ये एडिशनली आप एक टेल स्टॉक भी यूज कर सकता है। ये टूल मैगजीन है जहाँ पे आप सभी टूल्स लोड किया हुआ रहता है, अलग अलग टाइप का टूल सब रेडी करके ऑफसेट लेके इसमें रख दिया, तो जैसे जैसे चाहिए आप कमांड दे के उसको स्पिंडल में ला सकते। ये सेम टूल मैगजीन है, वो एटीसी के साथ में दिखाया है। यहाँ पे टूल पॉकेट्स है, टूल ये टोटली टूल मैगजीन है, टूल पॉकेट्स है जहाँ पे आप टूल लोड कर सकता है, जो आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा। जो भी टूल रहेगा स्पिंडल में और स्पिंडल का टूल यहाँ पे वापस लाने के लिए एक ऑटोमेटिक टूल चेंजर यूज करता है। अभी हम देखेंगे एक फाइव एक्सिस मशीन। हमने ऑलरेडी बताया कि फाइव एक्सिस मशीन में ज़्यादातर सब ऑपरेशन आप खत्म कर सकता है, जो एरिया होल्ड किया है उसको छोड़ के बाकी सभी साइड आप फिनिश कर सकता है। तो एक फाइव एक्सिस मशीन में अलग अलग कॉन्फिग्रेशन रहता है, आपका रोटरी कैसा है उसके ऊपर अलग अलग तीन टाइप का कॉन्फिग्रेशन है। तो हमने ऑलरेडी बताया कि फाइव एक्सिस मतलब तीन लीनियर और दो रोटरी होता है। तीन लीनियर मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस होता है और दो रोटरी होता है। वो जो रोटरी एक्सिस है ए बी सी में कौन सा भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, ए सी हो सकता है, वो उसको कैसा कॉन्फिगर किया है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो तीन कॉन्फिगरेशन है, टेबल टेबल मतलब दोनों रोटरी टेबल के ऊपर है, हेड टेबल एक हेड के ऊपर, एक टेबल के ऊपर, हेड हेड दोनों हेड के ऊपर, ऐसा तीन कॉन्फिगरेशन रहता है। तो टेबल टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, तो अभी आपको दिख रहा है ये आपका वर्क टेबल है, ये आपका स्पिंडल है, मेन स्पिंडल है। तो ये वर्क टेबल आप ऐसा टिल्ट कर सकता है और ऐसा पूरा 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, तो आपका दोनों रोटरी आपका टेबल के ऊपर है, इसीलिए ये टेबल टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अभी हेड टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसमें एक रोटरी आपका हेड के ऊपर है, ये वाई एक्सिस रहेगा, वाई एक्सिस के ऊपर रोटेशन होता है तो ये बी एक्सिस होता है, और ये जो है टेबल में एक रोटरी है ये जेड एक्सिस के ऊपर रोटेट होता है तो ये सी एक्सिस होता है। और तीसरा कॉन्फ़िगरेशन है हेड हेड कॉन्फ़िगरेशन, इसमें दोनों रोटरी आपका हेड के ऊपर रहता है। तो हमको क्यों अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन क्यों चाहिए, क्योंकि जो टाइप का कंपोनेंट करना है वो टाइप का हिसाब से आपको मशीन सेलेक्ट करना है। अगर समझो आपका पार्ट बहुत हेवी है तो आपको
वर्क टेबल रोटेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको ज़्यादा पावर लगता है, तो आप वर्क को स्टेशनरी रखता है और आपका हेड टिल्ट करता है। या आपका जॉब अगर छोटा रहेगा तो आप टेबल टेबल यूज कर सकता है। टेबल टेबल रोटेशन यूज करने का एक एडवांटेज यह है कि जो भी स्वार्क जनरेट होता है वो नीचे ऑटोमेटिकली गिर जाता है। अभी टर्नमिल का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन क्या है देखेंगे। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया टर्निंग में टू एक्सेस रहता है, एक सौ रुद्र। उसके साथ अगर आपको चक आपका जो स्पिंडल है वो कंट्रोल्ड एक्सेस रहेगा तो उसको सी एक्सेस हो सकता है। तो एक स्ट्रट के साथ में अगर आपको सी एक्सेस रहेगा तो उसको एक टर्नमिल बताया जाता है। अभी सी एक्सेस के साथ में अगर आपको एक वाई एक्सेस भी रहेगा तो वो फोर एक्सेस हो गया। ये सी एक्सेस का लिमिटेशन क्या है कि आपको समझो एक रेडियल ड्रिलिंग करना है तो जो टूल का एक्सिस अगर पार्ट के एक्सिस के थ्रू जाता है तो ही वो कर सकता है। अगर वो एक्सिस अगर ऑफसेट रहेगा तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन वाला मशीन में नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको फोर एक्सिस यूज करना पड़ता है। अभी हमने ऑलरेडी बताया कि आपको टिन स्पिंडल वगैरह रहेगा तो नंबर ऑफ एक्सिस बढ़ता है, तो एट एक्सिस उसमें टिन स्पिंडल रहेगा और टिन टरट रहेगा, और नाइन एक्सिस रहेगा तो टिन स्पिंडल टिन टरट के साथ में एक टिल्टिंग मिलिंग स्पिंडल भी रहेगा। टर्न मिल विथ सी एक्सिस, ये आपका नॉर्मल टर्निंग के तरह मशीन है और आपका ये स्पिंडल को एक कंट्रोल्ड एक्सिस है सी एक्सिस, तो टर्न मिल विथ सी एक्सिस थ्री एक्सिस, टर्न मिल विथ टिन स्पिंडल एंड टिन टरट। तो इसमें हम दो स्पिंडल और दो टरट, इसमें कितना नंबर ऑफ एक्सिस होता है और कैसे होता है ये डिटेल में देखेंगे। आपका ये जो स्पिंडल है इसमें कंट्रोल्ड सी एक्सिस है, सी वन होता है। दूसरा स्पिंडल मतलब सब स्पिंडल को भी एक कंट्रोल्ड सी एक्सिस है, वो सी टू होता है। फिर आपको होता है आपका अपर टरट, उसमें तीन एक्सिस रहता है एक्स वाई जेड, और लोअर टर्ट में होता है एडिशनल दो एक्सिस एक्स जेड। ये सब मिला के आपको होता है एट एक्सिस। उसके अलावा एक ये जो सब स्पिंडल है ये मूव होके मेन स्पिंडल तक आ सकता है कि वो एक मूवमेंट भी रहता है। तो ये सब मिला के आपको एट एक्सिस होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो पर नोटिफाई होने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मैं इस तरह के और वीडियो लेकर आऊँगा। अभी के लिए अलविदा।